आज एसएल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। एसएल इक्वेशन की फर्स्ट में डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास क्या है। कहते हैं द सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसएल इक्वेशन कहते हैं। तो जो हमारे पास इसने रिटर्न किया हुआ है और इसी को उसने चेंज किया हुआ है इस फॉर्म के अंदर, कि अगर हम लोग यहाँ से यू ऑफ एक्स को कॉमन ले लें तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में चेंज हो जाएगी। और एसएल इक्वेशन में कुछ कंडीशन ही होंगी कि जो इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज यूज हो रही हैं वो किस किस से रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि यहाँ पी ओ फैक्स आ रहा है, क्यों क्यों फैक्स आ रहा है, यू ओ फैक्स आ रहा है, लैमडा आ रहा है, आर ओ फैक्स आ रहा है, या किस किस को शो करता है। उसके लिए देखें यहाँ पर वेयर द कोफिशियंट ऑफ पी ओ फैक्स कोमा क्यू ओ फैक्स एंड आर ओ फैक्स आर रियल फंक्शन। कि हमारे पास जो पी ओ फैक्स होगा, पी ओ फैक्स होगा, क्यू ओ एक्स होगा, आर ओ फैक्स होगा, क्या होंगे, रियल फंक्शन होंगे, सच टाइप पी पी डैश क्यू एंड आर द कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द गिवन गिवन रियल क्लोज इंटरवल। और ये हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे। किसके ऊपर, जो हमारे पास गिवन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल जो होगा, और उसके साथ साथ हमारे पास कंडीशन होंगी कि पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की वैल्यूज किस तरह की होंगी। इसकी वैल्यूज हमेशा क्या होगी, ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास सेम होंगी, ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होगी, डिफरेंट होगी मतलब, लेकिन क्या होगी, इससे सेम भी हो सकती है, पी ओ फैक्स, क्यू ओ फैक्स और आर ओ फैक्स की वैल्यू सेम भी हो सकती है, लेकिन क्या होगी, जो स्टार्ट होगी वो जीरो से लेके इससे नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। कभी भी जीरो से कम इनकी वैल्यूज को हम लोग यूज नहीं करेंगे। फॉर ऑल एक्स ऑन अ रियल क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल के ऊपर, एंड लैम्डा, जो हमारे पास एसएल इक्वेशन आ रही है उसमें जो लैम्डा यूज हो रहा है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरामीटर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये लैम्डा हमारे पास किसको शो करते हैं, पैरामीटर को, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को, इज कॉल्ड एसएल इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसएल इक्वेशन कहते हैं। और आइगन वैल्यूज इक्वेशन फॉर लैम्डा, और इसको हम लोग एक नया नेम मेंशन करते हैं, आइगन वैल्यूज इक्वेशन फॉर लैम्डा। नेक्स्ट नोटेशन आ रही है कि हम लोग एसएल इक्वेशन किस तरह से हम लोग नोटेशन किस तरह याद करते हैं, कि इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास एक ऑपरेटर यूज हो रहा है उसको हमने नेम मेंशन किया हुआ है एल। और एल ऑपरेटर किस किसके इक्वल है, ये देखें, एल इक्वल आ रहा है डी ओवर डी एक्स पी ओफ एक्स डी ओ डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। कि जो हमारे पास ये देखें, ये जो इक्वेशन आ रही है ना, ये मेरे पास एसएल इक्वेशन आ रही है, और इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक मेरे पास एल ऑपरेटर यूज हो रहा है। एसएल इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक जो मेरे पास वैल्यूज आ रही है इसको हम लोग ने एल ऑपरेटर के नाम से हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। और इसको जो नेक्स्ट उसने सिंप्लीफाई खुद उसने रिटर्न किया हुआ है कि आप लोग इसको सिंपल इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि जिस वक्त आपके पास ये डेरिवेटिव आ रहा है तो आपने डेरिवेटिव लेना है तो किस तरह से उसको आपने सिंपल रिटर्न करना है, ठीक है। ये देखें ना, जिस वक्त ये आपके पास आ रहा है एल होगा तो ये एल आ जाएगा, नेक्स्ट यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है यू ऑफ एक्स आ जाएगा, नेक्स्ट ये आपके पास सेम वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे उसने क्या किया, यहाँ पर एल की वैल्यूज को यूज किया हुआ है। और देखने वो नोट में आ रहा है कि जो हमारे पास एल आ रहा है इसको इसको किसको रिप्रेजेंट करता है, एस एल डिफरेंशियल ऑपरेटर और सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द सेल्फ एडजॉइंट एस एल, व्हाट इज द सेल्फ एडजॉइंट स्ट्रम लिवली डिफरेंशियल ऑपरेटर नोटेशन। कि हमारे पास अब हम लोग डिफाइन करेंगे सेल्फ एडजॉइंट को इसके लिए, एस एल डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ये एस एल इक्वेशन है, ठीक है, उसको इसने चेंज किया हुआ है कि जिस वक्त डेरिवेटिव ले लेंगे डी यू ओवर का तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, यू डैश आ जाएगा, ठीक है। फिर पी ऑफ एक्स आपके पास क्या कोई फंक्शन है आ रहा है, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव हमने लेना है किसका, यू का ले रहे हैं। तो जिस वक्त ये यहाँ से डी ओवर डी एक्स को आप रिमूव करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा, डैश, जो किसको शो कर रहा है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है। नेक्स्ट वही चीजें हैं कि वो फैक्स यू लैम्डा आर ऑफ एक्स यू, जैसे उसने सिंपल फॉर्म रिटर्न किया हुआ है। और नेक्स्ट बता रहा है कि आप लोग जो आपके पास इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं,
फिर वही चीज उसने रिपीट की हुई है कि आपके पास ये इतनी वैल्यू यूज हो रही है इस इक्वेशन के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एल के इक्वल आ रहा है, उसको हम लोग क्या रिटर्न करते हैं, लीनियर ऑपरेटर रिटर्न करते हैं। अगर ये लीनियर होगा तो इसके इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज क्या होगी कि अगर आपके पास दो वैल्यूज आपस में फंक्शन आपस में इस तरह से ऐड हो रहे हैं तो आप इस एल को इन दोनों के ऊपर सेपरेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें यहाँ पर उसने अप्लाई किया हुआ है सी वन कॉन्स्टेंट आ रहा है सेपरेट करती है, एल को उसने अप्लाई किया हुआ है यू वन के ऊपर, फिर नेक्स्ट देखें सी टू को सेपरेट कर दिया, एल को उसने अप्लाई किया हुआ है यू टू के ऊपर, नेक्स्ट